मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मीनू सुधीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल लर्निंग टीवी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्केचअप पर। दोस्तों स्केचअप ये एक गूगल की प्रोडक्ट है और इसका इस्तेमाल इंटीरियर डिज़ाइनर और एक्सटीरियर डिज़ाइनर में होता है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सासवा इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट यूजिंग स्केचअप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर नीचे क्लिक करना और यहाँ पर इंसान को अनचेक कर देना है, क्योंकि अभी हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको सेलेक्ट करते जाएंगे। अब हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ टूल बार को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लार्ज टूल सेट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर दिया और यहाँ इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम इस टेम्पलेट को डिलीट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से लेंगे रेजर टूल। ये देखिए आपके सामने ये टूल का नाम भी साथ आ गया। इसको क्लिक किया और यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ से ये स्किप हो गया। तो अगर हम इसको दबाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल जेड करेंगे। ये देखें दोस्तों हमारे पास ये वापस आ गया। अच्छा, अगर आप रेजर टूल से इसको डिलीट नहीं करना चाह रहे तो सिंपली हम यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रेज कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पर काम करते हैं। सबसे पहले हम लाइन टूल लेंगे। देखिए अपर एरो से जब हम अपर एरो पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्लू लाइन आ जाती है। अगर हम राइट एरो पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास रेड एक्सिस आ जाता है। अगर हम लेफ्ट एरो पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्लू लाइन आ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर कोई शेप बनाते हैं। तो ये हमारे पास आर्बिट है, इस पर क्लिक करके हम इसको घुमा भी सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्लिक किया यहाँ सर यहाँ पर और यहाँ से तो देखिए दोस्तों हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। हम इसको घुमा कर देख भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस ऑब्जेक्ट के किसी एक पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली सेलेक्ट टूल पर क्लिक करेंगे और जिस पार्ट का आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप डिलीट कर देना। तो देखिए दोस्तों हमारे पास सिर्फ वही पार्ट डिलीट होगा जो हम करना चाह रहे थे, बाकी वाले सेम है। देखिए अंदर से खोखला हो चुका है। अगर हम इस सारे को डिलीट करना चाहते हैं तो हम सिंपली सेलेक्ट टूल पर क्लिक करके सब कुछ सेलेक्ट करके हम डिलीट करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक शेप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेक्टेंगल मार लेंगे। अच्छा, अब हम इसको ऑफसेट देते हैं। ये देखिए दोस्तों अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पुश या पुल पर। तो यहाँ पर हमने ये इसको क्लिक किया और इसको ड्रैग कर दिया। ये देखिए हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट बन गया है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर ट्रेस बनाना चाहते हैं तो हम सिंपली इसके सेंटर में क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पर आ गया। तो हम इसको थ्रोपुट आना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मूव पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसको ऊपर ड्रैग कर देंगे अप एरो बटन से। ये देखिए हमारे पास एक शेप बन गई। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक सिंपली दरवाज़ा बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके साथ ही हम विंडो बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए अब हमने यहाँ से सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ दोनों पर क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारे पास सेलेक्ट करके डील कर देना है। और देखिए दोस्तों हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए दोस्तों देखिए ये हमारे पास एक विंडो और दरवाज़ा बन गया। अच्छा,
अब हम इसको इसके ऊपर हम टाइप लिखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पेन बुकड़ पर, क्लिक कर दिया। और यहाँ से हमने टाइल का कोई भी ऑप्शन ले लेना, जैसे हम ये ले लेते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं फ्रंट पर हम ये लगा देते हैं, कोई भी नहीं, क्या आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रूफ के लिए यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये रूफिंग के लिए, तो ये हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम रोटेट करके इसको यहाँ भी क्लिक कर देते हैं, और फ्रंट तो देखिए दोस्त, हमारे पास एक सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। हम इस तरह भी मटेरियल लगाना चाह रहे हैं, तो हम वही पेंट बुकर पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्त, हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे और भी काफ़ी कुछ जानेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस वीडियो में किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।